चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने 14 सितंबर को अक्सरियती जजेस की वजाहत पर 9 सवालों का जवाब मांग लिया। इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरखास्त कब दायर की? पीटीआई और इलेक्शन कमीशन की दरखास्तें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई? मुतफरिक दरखास्तों पर कॉज लिस्ट के बगैर कैसे समाअत फिक्स हुई? क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतालिका फरीकैन और अटर्नी जनरल को नोटिस जारी किया? किस कमरा अदालत या चैम्बर में दरखास्तों को सुना गया? दरखास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई? ऑर्डर को सुनाने के लिए कमरा अदालत में फिक्स क्यों ना किया गया? ओरिजिनल फाइल और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार में जमा हुए बगैर ऑर्डर कैसे अपलोड हुआ? ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का ऑर्डर किसने किया? रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से जवाब तलब। तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसा अली अमीन गंडापुर मुकर्रर वक्त में ना पहुंच सके। जलसा खत्म होने के 2 घंटे बाद अली अमीन गंडापुर की एंट्री, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की काफिले के हमरा खाली जलसा गाह आमद। थोड़ी देर रुकने के बाद वापस लौट गए। पीटीआई की मरकजी क़यादत ने भी अली अमीन का जलसा गाह में इंतजार ना किया। इंतजामिया ने 6 बजते ही जलसा गाह में लाइटें और साउंड सिस्टम बंद करा दिया। कारकुन भी वापस चले गए। पंडाल खाली हो गया। जलसे में वक्त पर ना पहुँचने पर अली अमीन गंडापुर गुस्से से लाल पीले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुश्ताइल हो गए। कालाशाह काकू इंटरचेंज पर गाड़ियों पर धावा बोल दिया। अली अमीन गंडापुर ने राइफल के बट मारकर ट्रक का शीशा तोड़ दिया। अली अमीन गंडापुर ने सिक्योरिटी गार्ड से बंदूक छीनकर गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। जिला इंतजामिया ने पुलिस की मदद से स्टेज और पंडाल खाली करा दिया। पीटीआई को दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक जलसे की इजाजत दी गई थी। अवाम ने इंतशार, फसाद और गालम गलोच की सियासत को मुस्तरद कर दिया। अवाम ने मरियम नवाज की कारकर्दगी, अवामी रिलीफ और खिदमत की सियासत का इस्तकबाल किया। गंडापुर की इस्लामाबाद जलसे में गलीज जबान के बावजूद मरियम नवाज ने लाहौर जलसे में आने की इजाज़त दी। अली अमीन रास्ते में रुक रुक कर बंदूकों से गरीबों की गाड़ियों के शीशे तोड़ते रहे। अमीन गंडापुर वक्त पर जलसा गाह क्यों नहीं पहुँचे? सारा लाहौर खुला था। जीटी रोड खुली थी, रिंग रोड खुली थी, मोटरवे खुली थी और आज इनकी औकात भी खुलकर सामने आ गई। नाकामी का यकीन हो गया है तो मरियम नवाज के साथ किसान कार्ड, ई बाइक, लैपटॉप, हिम्मत कार्ड, मुफ्त अदवियात देने का मुकाबला करें। इंतशार की आग ठंडी हो गई हो तो अपनी छत, अपना घर, सोलर पैनल, बिजली बिलों में रिलीफ देने में अली अमीन गंडापुर वजीर आला पंजाब का मुकाबला करें। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आज़ाद अदलिया पर कतई किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान में हम आज़ाद अदलिया लाएंगे। आज़ाद अदलिया के सिवा कुछ कबूल नहीं है। हम आज़ाद अदलिया के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। अवाम अब जमहूरियत के सिवा कुछ कबूल नहीं करेंगे। इदारों को इदारों से नहीं लड़ाना। जलसे के लिए NOC नहीं मिलता। अमेरिका का वीज़ा NOC से जल्दी मिल जाता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का जलसे से खिताब। फॉर्म 47 की हुकूमत की किसी भी आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते। जब तक जिंदा हैं अदलिया का साथ देंगे। अदलिया स्टैंड ले, हम साथ खड़े होंगे। फॉर्म 47 की हुकूमत को नहीं मानते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पैगाम। इस्लामाबाद की तरह लाहौर का भी पीटीआई का जलसा फ्लॉप हो गया। पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे किए गए। हमें पीटीआई के जलसे का बहुत इंतज़ार था। पूरा जोर लगाने के बावजूद भी पीटीआई वाले लोग इकट्ठे न कर सके। अवाम ने इनकी इंतशार और तकसीम की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। पीटीआई का एजेंडा मुल्क में इंतशार और तबाही लाना है। पीटीआई के काफिलों को किसी जगह पर नहीं रोका गया। पीटीआई के काफिलों के लिए किसी मकाम पर रुकावट खड़ी नहीं की गई। किसी को NRO नहीं मिलेगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। लाहौर से उन्होंने जलसे में शिरकत की है। सरगोधा की हालत यह है कि 205 से लेकर 241 लोग पूरे सरगोधा से जो है वो जलसागाह में शामिल हैं। DG खान से मशहूर ज़माना हमारी पार्लिमानी लीडर जो है PTI की DG खान से उनके साथ 100 से जो है वो 150 लोग जो हैं वो मौजूद हैं। तो आलिया अमजद साहब अभी 100-150 लोगों के साथ तशरीफ लाए हैं। सरदार लतीफ़ खोसा साहब अल्लाह के फजल से 20-25 लोगों के साथ जलसागाह में तशरीफ लाए हैं। टोटल 3000 बंदा पूरे पंजाब से इस जलसे के अंदर मौजूद है।
जलसा नाकाम हो गया, लोगों ने पीटीआई को मुस्तरद कर दिया। लाहौर से 1500 से 1600 लोग पीटीआई के जलसे में पहुंचे हैं, ये दावे करते हैं लाहौर बानी पीटीआई के साथ है। तमाम सूबों से लोगों को जलसे के लिए बुलवाया गया। लाहौर में इतना सुकून किसी और वीकेंड पर नहीं देखा जितना आज है। आदादोशुमार के मुताबिक पंजाब से 3000 लोग जलसे में आए। रास्ते बंद करने से मुतालिक मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा किया गया। अली अमीन गंडापुर को सूबे की परवाह नहीं, जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को बेदरेख उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर इत्तला'आत पंजाब अजमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कामयाब तरीन जलसा था गिवन द सर्कमस्टांसिस जिसके अंडर ये जलसा होल्ड किया गया, और जो रुकावटें सारा दिन जो है वो खड़ी की गई, आने वाले कारवानों को रोका गया, लोगों को वेन्यूज तक नहीं पहुंचने दिया गया, सड़कें ब्लॉक की गई। रऊफ हसन ने लाहौर में जलसा कामयाब तरीन करार दे दिया। जलसे की तैयारी में रुकावटें डाली गईं, सारा दिन रुकावटों से रास्ते बंद थे। अली अमीन गंडापुर रास्ते में काफ़ी रुकावटें उबूर करके जलसा गाह पहुँचे। हुकूमत पीटीआई से खौफ ज़दा है, रियासती इदारों को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। हम अदलिया के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सेक्रेटरी इत्तला'आत पीटीआई रऊफ हसन की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। लाहौर जलसा से मालूम हो गया आवाम पीटीआई के साथ नहीं है। अली अमीन गंडापुर का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ इसलिए वो लेट पहुंचे। पीटीआई को मजीद वक्त दरकार था तो इंतजामिया को दरख्वास्त देते। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर अकील मलिक। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ थाना I-9 में दर्ज मुकदमे की समाअत। वासे क्यूम अब्बासी, राजा राशिद हफीज और आमिर महमूद कयानी के भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने उमर तनवीर भट्ट को मुसलसल गैर हाजिरी पर इश्तहारी करार दे दिया। समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त जमानत कबल अर्ज गिरफ्तारी खारिज। अदालत ने अदम पैरवी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दरख्वास्त जमानत कबल अर्ज गिरफ्तारी खारिज की। बगैर किसी वजह के हर मरतबा रिलीफ नहीं दे सकते। जज ताहिर अब्बास सिप्रा। बानी पीटीआई का 1 पॉइंट एजेंडा NRO लेना है। जो बाहर हैं वो चाहते हैं बानी पीटीआई जेल से बाहर ना आए वरना उनकी दुकान बंद हो जाएगी। मैं नहीं चाहता हमारे सियासी यतीम सियासी शहीद बने। इनके पास कोई रोड मैप नहीं। कभी कहते हैं यूनिवर्सिटी की ज़मीन बेच दो, कभी स्कूलों की। ये नशे के आदि लोगों का काम होता है। जब तक गवर्नर हूँ किसी यूनिवर्सिटी की ज़मीन नहीं बेची जा सकती। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। मुल्क में अभी भी इत्मीनान का माहौल नहीं, आम आदमी इन सब हालात से मुतासर हो रहा है। तमाम इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें, मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। हमें आयन के मुताबिक चलना चाहिए। आयनी तरमीम के बारे में उनसे पूछें जो इसको लाना चाहते हैं। किसी भी कारकुन की गिरफ्तारी के हक में नहीं। अगर बानी पीटीआई की हुकूमत थी तब भी हम इसके खिलाफ थे। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद। जस्टिस अमीनुद्दीन जजेस कमेटी के रुकन नामजद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा ने सीनियोरिटी के एतबार से 5वें नंबर पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को 3 रुकनी जजेस कमेटी के लिए नामजद किया। कमेटी चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल होगी। इससे कबल कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। 3 रुकनी जजेस कमेटी बेंचेस की तश्कील और इंसानी हकूक के मुकदमात का जायजा लेती है।